How to fix Vivo Y15 call bearing network or SIM card error problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर एक एरर देख सकते हैं, यहां पर आपको बताया जा रहा है कि नेटवर्क और सिम कार्ड एरर आ रहा है। ठीक है, जब मैंने दोस्तों यहां पर कॉल बेयरिंग को ओपन किया, ठीक है, मैंने जब इस यहां पर सेटिंग करने की कोशिश किया है, तब जाके दोस्तों यहां पर मुझे ये एरर शो कर रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों बात आते हैं यहां पर प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या-क्या है, तो सब कुछ आज के इस वीडियो पर आपको जानने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको ओके करके बैक कर दे रहा हूं यहां पर, तो सिंपली आप वीडियो के साथ जो है बने रहिएगा। ठीक है, जितने भी यहां पर सॉल्यूशन है, जितने भी इसके रीजन से, वो सब आपको पता चल जाएगा किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सब जानने के लिए वीडियो को आपको देखना होगा। और सारे साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सारे साथ यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेक आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है। तो आपको साफ-साफ वहां पर दिखाई दे रहा होगा कि नेटवर्क और सिम कार्ड एरर बता रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है आपको यह फोन सर्विस से भी आ रहा है। सबसे पहली बात, फोन सर्विस से आपको ये एरर आ रहा है, उसमें कॉल सेटिंग एरर भी लिखा हुआ है, कॉल सेटिंग से भी आपको एरर आ रहा है, उसके बाद नेटवर्क से भी आपको एरर आ रहा है, सिम कार्ड से भी आपको एरर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे एरर आपको यहां पर एक साथ दे रहा है, तो आपको कैसे किसे सॉल्व करना है चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो पर। ठीक है, तो आपको यह तो पता चल गया कि कहां-कहां से आपको एरर आ रहा है। ठीक है, आपका फोन सर्विस, कॉल सेटिंग, कॉल बेयरिंग, तो वो सब सेम है, आपको एक जगह से सॉल्यूशन करना है। नेटवर्क और सिम कार्ड एरर बता रहा है, तो उसका भी एक ही जगह से सॉल्यूशन करना है, यानी कि दो सॉल्यूशन आपको करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, मैं आपको सेटिंग से बता देता हूं क्या-क्या आपको करना होगा। तो पहला जो सॉल्यूशन हम करेंगे वो है फोन सर्विस, कॉल सेटिंग और कॉल बेयरिंग का। उसके लिए आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, उसके बाद एप्लीकेशन एंड परमिशन पर जाना है और ऐप मैनेजर को ओपन कर लेना है। ऐप मैनेजर जैसे ओपन करोगे आपको फटक से नीचे जाके पी पर आ जाना है, यानी कि आपको फोन करके एक ऑप्शन मिलेगा यहां पर। ठीक है, उसको सर्च करना है, पी यहां पर हमें मिल जाना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पे, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया है। तो यहां पे दोस्तों आपको क्लिक करना है फोन पे, उसके बाद दोस्तों आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर डेटा कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर ऑल डेटा पर यहां पर ओके पर क्लिक कीजिए। ओके कर देने के बाद दोस्तों आप जो है बैक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने यह कर लिया, अच्छी बात है, उसके बाद बैक कीजिए। यहां से दोस्तों आपका कॉल सेटिंग, फोन सर्विस सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी दोस्तों नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहां पे आपको जाना है सिस्टम मैनेजमेंट पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन कर लेना है, बैकअप एंड रीसेट को ओपन करना है, आपको यहां पे क्लिक करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करके आपको यहां पर कोई एक सिम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे रीसेट सेटिंग का जो ऑप्शन यहां पे है नीचे में, उसमें आपको क्लिक करना है, पासवर्ड भर देना है अपने मोबाइल का, और उसके बाद दोबारा से आपको यहां पर रीसेट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में। ठीक है, एक बार टैप कर लीजिए, नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों वहां पे आपको बता रहा था कि नेटवर्क एरर है या तो फिर सिम एरर है, तो हमने नेटवर्क को यहां पर रीसेट कर दिया है। अब इसको आइए बैक करते हैं। जैसे बैक करके हम जाते हैं ऊपर में, हमें यहां पर दिखाई देगा ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, उसमें जाके आपको सिम जो है ओपन करना है। ठीक है, सिम ओपन कर लेना है, उसके बाद नेटवर्क मोड पे जाके एक बार नेटवर्क को स्विच कीजिए। तो नेटवर्क आप यहां पर कौन सा प्रेफर करेंगे यहां पर, ठीक है, कौन सा आपके एरिया में अच्छा नेटवर्क है उसी को चूज करें। ठीक है, तो उसको चूज कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहां पर बैक करना है। बैक करने के बाद आप जाइए यहां पे ऑपरेटर पर, ऑपरेटर पर जाके दोस्तों आप ऑटोमेटिक या तो फिर मैन्युअली नेटवर्क को इस बटन से सेलेक्ट कीजिएगा। इस बटन को बंद करते ही मैन्युअली नेटवर्क आपको मिलेगा, इस बटन को सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा नेटवर्क में।
ठीक है। तो ये आप सेटिंग को कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों देखिए जाके दोबारा से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। अभी जाके दोस्तों आप सेटिंग करके देखिए, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी इश्यू नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग पर आपको कोई भी और प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ अलग से प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आप साथ ही साथ आप यहाँ पर दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो हम जितना हो सके उतना मदद कर देंगे यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।